हेलो फ्यूजोशीज वेलकम बैक टू माय चैनल फ्यूजोशी वर्ल्ड आज मैं आपके लिए नई कोरियन बी ड्रामा माय डैम बिजनेस का एपिसोड फर्स्ट लेकर आई हूँ पहले दे देती हूँ कि इस कोरियन ड्रामे के एपिसोड मिनट्स या इलेवन मिनट्स के है तो वीडियो छोटी होगी आई होप यू विल अंडरस्टैंड सो विदाउट फर्दर लेट्स गेट इन द वीडियो कहानी की शुरुआत में हम हान यूजीन से मिलते हैं जो सेल्स टीम टू का लीडर है इस वक्त यूजीन काफ़ी परेशान लगता है क्योंकि मैनेजमेंट क्राइसिस की वजह से उसकी सेल्स टीम जल्द ही बंद होने वाली है लेकिन उससे पहले यूजीन के जितने भी कंपनीज के साथ पार्टनरशिप है उसके काम उसे तीन महीने में पूरे करने हैं पर दुख की बात यह है कि यूजीन के जितने भी टीम मेम्बर्स थे सभी के सभी काम छोड़कर जा चुके हैं और जो आखिरी टीम मेंबर बचा था वो भी आज काम छोड़ जा रहा है यूजीन अपने टीम मेंबर से कहता है कि उसने अब तक उसके लिए बहुत अच्छा काम किया वो लोग यहां से जाने के बाद भी कांटेक्ट में रहेंगे आखिरी मेंबर के जाने के बाद यूजीन का ऑफिस खाली हो जाता है यूजीन परेशान होकर अपने डायरेक्टर को कॉल करता है और उनसे कंप्लेन करता है कि उसे पता है कि कंपनी अभी नुकसान में चल रही है लेकिन फिर भी वो अकेले सारे काम कैसे करेगा डायरेक्टर यूजीन से कहता है कि यूजीन की वजह से ही उसके सारे टीम मेंबर उसे छोड़कर चले गए हैं पर यूजीन इस बात को मानने से इनकार कर देता है क्योंकि उसका मानना है कि उसके टीम मेंबर्स उससे प्यार करते थे डायरेक्टर यूजीन की मदद के लिए उसे एक एम्प्लॉय भेजने की बात करता है पर अभी भी यूजीन को ये टेंशन होती है कि वो एक एम्प्लॉय के साथ क्या ही करेगा यूजीन परेशान होकर फोन रख देता है तभी मिस्टर हवांग एक लड़के के साथ यूजीन के कैबिन में एंटर करता है यूजीन को लगता है कि साइड कंपनी का होनहार रिक्रूटमेंट एम्प्लॉय मिस्टर हवांग को उसकी मदद के लिए भेजा गया है पर मिस्टर हवांग यूजीन की गलत फैमिली दूर करता है और उसे युन शुआन से मिलवाता है जिसे सपोर्ट टीम ने सेल्स टीम टू यानी कि यूजीन की मदद करने के लिए भेजा है आज से तीन महीने तक शुआन यूजीन के साथ काम करेगा हवांग यूजीन को बताता है कि शुआन सपोर्ट टीम का स्टार एम्प्लॉय है हवांग की मीटिंग होती है इसलिए वो उन्हें अकेला छोड़कर चला जाता है यूजीन और शुवान एक दूसरे से फॉर्मली इंट्रोड्यूस करते हैं और हाथ मिलाते हैं उसके बाद शुवान अपना काम करने लगता है काफ़ी देर हो जाती है पर फिर भी वो कुछ बोलता नहीं है शुवान जब देखता है कि यूजीन उसकी तरफ देख रहा है तो वो यूजीन से पूछता है कि क्या उसे कुछ चाहिए यूजीन कहता है कि चलो शुवान कुछ तो बोलता है वो इतनी देर से चुप था उसे लगा कि शुहान को बोलना आता ही नहीं है उसके बाद यूजीन शुान से पूछता है कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है शुहान उस सवाल से बुरा मान जाता है और नहीं बोलता है जिस पर यूजीन कहता है कि शुहान इतना क्यूट है तो फिर उसकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है शुहान यूजीन के इस सवाल को इग्नोर कर देता है और अपने काम में बिजी हो जाता है यूजीन को एहसास होता है कि शायद उसे ये सवाल नहीं करना चाहिए था इसलिए वो शिवान को सॉरी बोलते हैं उसके बाद दोनों में से कोई भी कुछ नहीं कहता है और अपने काम में बिजी हो जाते हैं उस दिन के बाद से शिवान यूजीन को बस गुड मॉर्निंग विश करता है और घर जाते वक्त गुड बाय बोलते हैं इन दो शब्दों के अलावा उनके बीच कुछ भी बात नहीं होती है इस पर यूजीन कहता है कि कम से कम शिवान के मैनर्स अच्छे हैं इसी तरह उन्हें साथ में काम किए एक हफ्ता हो जाता है शिवान और यूजीन इस ऑफिस में काम कर रहे होते हैं यूजीन शुवान से उन कंपनीज के लिस्ट मांगते हैं जिनके साथ उन्होंने हैंड रिटन कॉन्ट्रैक्ट में काम किया है शुवान अपने बैग से एक यू ड्राइव निकाल कर यूजीन को देता है उसमें उन कंपनीज के सारे नाम लिखे होते हैं यूजीन जब उस यू ड्राइव को अपने कंप्यूटर में अटैच करता है तो उसे कुछ और देखने को मिलता है वो शुवान से कहता है कि इसमें क्लाइंट की लिस्ट नहीं बल्कि उसकी प्रेफरेंस लिस्ट है वो जो शुवान को पसंद है ये सुनकर शुवान कंफ्यूज हो जाता है वो यूजीन के पास आता है और स्क्रीन पर एक गे स्टोरी की कॉमिक देखकर कर चौक जाता है शुवान सोचने लगता है कि कैसे ये कॉमिक वाली ड्राइव उसके बैग में आई दरअसल शुवान की दोस्त जीयून एक कॉमिक आर्टिस्ट है जिस वक्त वो ये लिख रही होती है उस वक्त शुवान उसके पास बैठ एक बुक पढ़ रहा होता है जीयून शिवान से पूछती है कि एक लड़के को किस करने में कैसा फ़ील होता है शिवान अपने बुक में ही बिजी रहकर जीयून से पूछता है कि ये किस तरह का सवाल हुआ जिस पर जीयून कहती है कि वो सिर्फ़ शिवान को जानती है जिसने किसी लड़के को किस किया है वो अपनी स्टोरी की यू ड्राइव शिवान को देती है ताकि शिवान घर जाकर इसे पढ़े और अपनी ऑनेस्ट रिव्यू दें क्योंकि अगर ये कॉमिक हिट होती है तो वो लोग आराम से किसी वेकेशन पर जा सकेंगे वो शिवान से पूछती है कि वो वेकेशन के लिए किस कंट्री जाना चाहता है इंडिया मेक्सिको थाईलैंड इंडोनेशिया या फिर चाइना शिवान उसे इग्नोर कर देता है वो बुक पढ़ने में बिजी रहता है इसलिए जियन जी यूएसबी ड्राइव उसके बैग में डाल देती है बेचारे शुवान को समझ ही नहीं आता है कि वो यूजीन से क्या बोले वो जल्दी से यूएसबी ड्राइव कंप्यूटर से निकालता और कहता है कि ये ड्राइव उसकी नहीं है इतना कहकर शुवान जाने लगता है कि यूजीन उसका हाथ पकड़ता है और पूछता है कि अगर ये ड्राइव शुवान की नहीं है तो क्या फिर उसकी है वो उसके हाथ से ड्राइव ले, ले लेता है शुवान कहता है कि शायद यूजीन की ये ड्राइव हो सकती है उसके बाद वो काम का बहाना बनाकर अपने डेस्क पर आकर बैठ जाते हैं यूजीन फिर से यू कनेक्ट करके कॉमिक पढ़ने लगता है साथ ही साथ वो कुछ कॉमेंट्स भी करते हैं जैसे ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है इसके लीड्स काफ़ी सुंदर है और भी बहुत कुछ शुवान ये सारी चीज़ें सुन पा रहा होता है जब उससे और बर्दाश्त नहीं होता है तो वो जाकर यूएसबी वापस ले लेता और कहता है कि ये यूएसबी सच में उसकी नहीं है वो यूजीन से इन सब मेस के लिए माफी मांगते हैं उसके बाद शुवान यूएसबी को इसके असली ऑनर यानी कि जीयून को वापस देने को बोल कर वहां से जाने लगता है यूजीन शुवान को टीज करने के लिए जान मूझ कर उसे इंजॉय करने को कहता है शुवान गुस्से में बाहर आता है और खुद से कहता है कि उससे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई तो कुछ इस तरह एपिसोड फर्स्ट यहीं पर खत्म होता है आई नो वीडियो बहुत छोटी है। और इसके लिए आपको एक हफ्ते वेट करना पड़ेगा बट आई होप कि आप इतना तो कर सकते हैं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन, बाय बाय।